नुपुर और आज हम देखेंगे कि आप अपने चैनल को जल्द से जल्द मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। सो शुरू करें क्या? नहीं नहीं, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, 1 2 3। अब आगे लाइकर से ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। होपफुली आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज के top 3 ट्रेंडिंग वीडियोस को, जहां आज number 3 पर ट्रेंड कर रही है उज्जवल की वीडियो, जो फिर से माइनक्राफ्ट की वीडियो के साथ दिख रहे हैं। इसमें उन्होंने बच्चों के फेवरेट कार्टून डोरेमोन का सबसे प्रीशियस गैजेट बनाया है। जी हाँ, आप सही समझे, एनीवेयर डोर। काफी एंटरटेनिंग है ये वीडियो, शायद ये एनीवेयर डोर ही इसे ट्रेंडिंग में लाने का कारण है। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि number 2 और 1 पर कौन कर रहा है ट्रेंड। कल जो 2 वीडियोस ट्रेंड कर रही थी, जी हाँ, एक नेटफ्लिक्स इंडिया एंड एक दी मृदुल की वीडियो, वही दोनों आज सेम नंबर पर ट्रेंड कर रही है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सीरीज की तरफ और जानते हैं चैनल को इंस्टेंटली मोनेटाइज करने के तरीके। सबसे स्टार्टिंग में आप दूसरे चैनल की वीडियोस देखें, उनके कमेंट्स में जाकर उनकी वीडियो से रिलेटेड कमेंट जरूर करें। ध्यान रहे कि उनकी वीडियो में क्या पसंद आया वो कमेंट करना है, स्पैमिंग नहीं करनी कि जैसे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो या वीडियो देख लो, क्योंकि ये YouTube की पॉलिसी के अगेंस्ट है। वहीं कमेंट करने से आपको फायदा ये होगा कि आपका लोगों से इंटरेक्शन के बेसिस पर कम्युनिटी टैब खुल जाएगा, और जब कम्युनिटी सेक्शन ओपन हो जाएगा तो आप अपने वीडियो को अच्छे से शेयर कर पाएंगे। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपके 4 मिनट की वीडियो को लोग 1 या 2 मिनट देखकर छोड़ देते हैं, तो ऐसे में आप कम्युनिटी पर करंट टाइम के हिसाब से आगे का वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। इससे आपकी इंटरेक्शन डेवलप होगी, साथ ही यह वॉच टाइम बढ़ाने का एक अच्छा जरिया है। अब बात करें दूसरे स्टेप की, जो कि है कंसिस्टेंसी गैप, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से नए सब्सक्राइबर्स नहीं आते, साथ ही पुराने वाले भी अनसब्सक्राइब कर देते हैं, और इसी की वजह से आपके 1K सब्सक्राइबर और 4K वॉच टाइम पूरे होने में काफी टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको रोज रोज वीडियो डालनी है या हफ्ते में 3 दिन वीडियो डालनी है, लेकिन अगर आपने अपने चैनल पर स्पेसिफिकली बोल रखा है कि इस दिन वीडियो आएगी तो उस दिन वीडियो जरूर डालें, चाहे आंधी आए या तूफान। भले ही आप महीने में या हफ्ते में 1 वीडियो डालें, लेकिन डालें जरूर, नहीं तो आपकी ऑडियंस अनसब्सक्राइब कर देगी ये सोचकर कि इस चैनल पर तो वीडियो ही नहीं आती, हमारे सब्सक्राइब करने का क्या फायदा। और एक चीज जिससे मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ वो है कि प्लीज प्लीज सब्सक्राइबर्स के लालच में आप किसी भी फेक साइट या एप्लीकेशन को यूज ना करें, क्योंकि इससे आपके सब्सक्राइबर्स मिलने के बजाय जो है वो भी चले जाएंगे, और ये YouTube के इनवैलिड पॉलिसी के अंदर आता है, इससे आपका चैनल बंद भी हो सकता है। सो नकली सब्सक्राइबर्स कमाने के बजाय आप मेहनत करें और ऑनेस्टली असली सब्सक्राइबर्स कमाएं, क्योंकि मुझे यकीन है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाएगा। सो आज का ज्ञान इतना ही, अभी कल के लिए भी तो कुछ छोड़ दीजिए। बाय बाय।